हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने 2021 टाटा टियागो। टाटा टियागो का प्राइस 4.99 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है एंड टॉप वेरिएंट का प्राइस है 6.95 लाख रुपीस। टाटा टियागो के अंदर आपको सिर्फ एक इंजन ऑप्शन ऑफर किया जाता है, जो है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 84 पीएस की पावर एंड 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क एंड इसकी एआरए क्लीन माइलेज है 23.84 केएमपीएल एंड इस इंजन के अंदर आपको मैनुअल के साथ साथ एएमटी गियर बॉक्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। एंड वेरिएंट की बात करें तो इस कार के अंदर आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं और अभी हम टाटा टियागो के टॉप ऑफ द लाइन एग्जेड प्लस मैनुअल वेरिएंट का डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो देखने वाले हैं एंड इसका एक्सशोरूम प्राइस है 6.33 लाख रुपीस। चलिए अब करते हैं कार के फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाती है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में फ्रंट ग्रिल, जिसके बीच में आपको इसमें दिया जाता है टाटा का लोगो। उसके नीचे आपको मिल जाता है नंबर प्लेट एरिया एंड इस फ्रंट ग्रिल के सराउंडिंग्स पर आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है, जो कि सीधा जाकर इसकी हेडलैम्प से मर्ज हो जाती है। हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलैम्प्स दिए जाते हैं साइड टर्न इंडिकेटर्स के साथ एंड हेडलैम्प यूनिट के नीचे आपको यहाँ पर फॉग लाइट हाउसिंग मिल जाती है, जिसके अंदर आपको हेलोजन फॉग लाइट ही दी जाती है एंड यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं फॉगलाइट की हाउसिंग के पास। एंड ये है गाइस कार का कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल का लुक। अभी आप टाटा टियागो का वाइट कलर देख रहे हैं, इसके अलावा आपको चार और कलर ऑप्शंस इसके अंदर मिल जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं कार के साइड प्रोफाइल की तरफ एंड चेक करते हैं कि आपको साइड में यहाँ पे क्या क्या ऑफर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिलेंगे 15 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स एंड अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया गया है इस कार के अंदर एंड इनमें आपको टायर्स की प्रोफाइल दी जाती है 175/60R15। उसके बाद आपको यहाँ पे साइड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं इसके ओवरवीएम्स के ऊपर एंड ओवरवीएम्स आपको इसके अंदर पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर पूरे दिए जाते हैं एंड इन ओवरवीएम्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड भी कर सकते हैं एंड इसके अंदर आपको ऑटो फोल्ड और अनफोल्ड का ऑप्शन भी दिया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाते हैं बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको कार का कंप्लीट साइड प्रोफाइल का लुक। एंड अब इस कार के डायमेंशंस की बात करें तो इस कार की ऑल ओवर लेंथ है 3765 mm, विड्थ है 1677 mm और हाइट है 1535 mm एंड इस कार के अंदर आपको 170 mm की टोटल ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है एंड इसके अंदर आपको 2400 mm का टोटल व्हील बेस दिया जाता है। चलिए अब चलते हैं कार की बैक प्रोफाइल की तरफ एंड चेक करते हैं कि आपको इस कार की बैक प्रोफाइल में क्या क्या ऑफर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बूट के सेंटर में मिल जाता है टाटा का लोगो, उसके नीचे आपको दी जाती है टियागो की बैजिंग एंड उसके नीचे आपको यहाँ पे दिया जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा। एंड अब इस कार की टेल लैम्प्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको हेलोजन टेल लैम्प्स दी जाती हैं साइड टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट के साथ। एंड अब उसके नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूल टोन फिनिश के अंदर यहाँ पे पूरा बम्पर मिल जाता है, जिसके अंदर आपको नंबर प्लेट एरिया दिया जाता है बट आपको यहाँ पे कोई भी पार्किंग सेंसर्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। एंड अब थोड़ा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रियर वाइपर वॉशर और साथ ही रियर डिफॉगर भी आपको इस कार के अंदर ऑफर किया जाता है एंड उसके ऊपर आपको यहाँ स्पॉयलर के ऊपर LED ब्रेक लाइट मिल जाती है एंड यहाँ पर आपको मिल जाती है वोकल फॉर लोकल की बैजिंग एंड ये हर टाटा कार के ऊपर आपको दी जाती है। एंड रूफ की बात करें तो आगे की तरफ आपको इसमें एक एंटीना दिया जाता है, बाकी आपको पूरी रूफ प्लेन मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ इंसर्ट्स मिल जाते हैं आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर एंड कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा कंप्लीट साइड प्रोफाइल का लुक पैसेंजर साइड से। चलिए अब चलकर इस कार का बूट ओपन करते हैं एंड चेक करते हैं कि आपको यहाँ पे कितनी स्पेसिंग दी जाती है। तो बूट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे की इंसर्ट करनी पड़ेगी एंड की को रोटेट करेंगे तो बूट अनलॉक हो जाएगा एंड कुछ इस तरह से आप इसे ओपन कर पाएंगे। स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 242 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है टाटा टियागो के अंदर। यहाँ पर आपको इसमें पार्सल ट्रे भी दी जाती है बट आपको यहाँ पे कोई भी बूट लैंप ऑफर नहीं किया जाता है एंड टियागो के किसी भी वेरियंट के अंदर आपको बूट लैंप नहीं मिलता है। एंड इसके नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाती है पोजिशनिंग स्पेयर व्हील की। एंड गाइस, अगर आप अपना बूट स्पेस इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको इस कार की रियर सीट्स को बेंच फोल्डिंग वे में फोल्ड करने का ऑप्शन भी दिया जाता है एंड सीट्स के फोल्ड होने के बाद आपको काफ़ी अच्छी स्पेसिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चलिए अब इसका टेलगेट बंद कर देते हैं। आपको यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल दिया जाता है, जिसकी हेल्प से आप इसका टेलगेट बंद कर सकते हैं एंड कुछ ऐसा आपको मिलता है कार का कंप्लीट बैक प्रोफाइल का लुक। चलिए अब चलते हैं कार के अंदर एंड चेक करते हैं इसके इंटीरियर्स को। तो ये है गाइस टाटा टियागो का ड्राइवर साइड डोर, जो कि आपको मिल जाता है ड्यूल टोन ब्लैक एंड लाइट ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ पर आपको इसमें मिल जाते हैं पावर विंडो के स्विचेस एंड ऑल फोर पावर विंडोज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके ऊपर आपको दिया जाता है क्रोम डोर हैंडल एंड स्विचेस के पीछे आपको यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है एंड उसके पीछे आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट
एंड उसके नीचे आपको दिया जाता है एक बॉटल होल्डर और साथ ही मिल जाती है कुछ स्टोरेज स्पेस एंड उसके साथ में आपको मिल जाता है एक स्पीकर एंड बिल्कुल ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ओवरवीएम के कंट्रोल्स एंड इस कार के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओवरवीएम्स दिए जाते हैं। एंड गाइस फ्रंट डोर कुछ इतना वाइड ओपन हो जाता है तो कार के अंदर एंटर करना और एग्जिट करना काफ़ी ईजी बन जाता है। चलिए अब चलते हैं कार के अंदर। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिलेगी मैन्युअली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स एंड कुछ ऐसा आपको कंप्लीट व्यू मिल जाएगा कार के बाहर खड़े रहकर ड्राइवर साइड से। एंड अब इस कार की कीज़ की बात कर लेते हैं तो आपको टाटा टियागो के टॉप एंड वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरह की फ्लिप कीज़ ऑफर की जाती हैं लॉक अनलॉक और हेडलैम्प के बटन के साथ। एंड सेकंड की आपको इस कार के अंदर नॉर्मल की ही दी जाती है। चलिए अब कर लेते हैं कार का इग्निशन ऑन एंड यहाँ पर आपको इसमें जगह मिल जाती है की को इंसर्ट करने के लिए। एंड इस कार के अंदर आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है एंड इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बिल्कुल सेंटर में आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर जिसके अंदर आपको MID स्क्रीन भी मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड पे दिया जाता है RPM मीटर एंड राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाता है फ्यूल गेज और साथ ही टेम्परेचर बार। एंड इस कार की MID स्क्रीन के अंदर आपको काफ़ी सारी और भी इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है जैसे कि किलोमीटर्स ड्रिवन आउटसाइड टेम्परेचर रेंज डिस्टेंस टू MT वगैरह भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। एंड कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा कार का कंप्लीट स्टीयरिंग व्हील कलर। आपको यहाँ नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है लेदर फिनिशिंग वगैरह यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इसमें मिल जाते हैं मीडिया एंड टेलीफोनी कंट्रोल्स एंड राइट हैंड साइड पर आपको यहाँ पे कोई भी कंट्रोल्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक इंसर्ट्स मिल जाते हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर एंड ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील के पीछे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है हेडलैम्प का टॉगल एंड इसी के अंदर आपको हेडलैम्प एडजस्टर्स भी मिल जाते हैं। एंड इस साइड पर आपको मिल जाता है वाइपर के लिए टॉगल। एंड अब स्टीयरिंग व्हील के राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको इसमें दिया जाता है साइड AC वेंट पूरा पियानो ब्लैक सराउंडिंग्स के साथ आपको ये दिया जाता है और क्रोम लाइनिंग भी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। उसके ऊपर आपको मिल जाता है ट्विटर एंड AC वेंट के नीचे आपको यहाँ मिल जाती है कुछ स्टोरेज स्पेस एंड कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा कार का कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक। यहाँ पर आपको सेम ड्यूल टोन फिनिश में ब्लैक एंड लाइट ग्रे कलर कॉम्बिनेशन दिया जाता है। एंड डैशबोर्ड लेआउट के सेंटर की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाते हैं दो AC वेंट्स एंड उनकी सराउंडिंग्स पर भी आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगी। उसके बीच में आपको दिया जाता है हजार्ड लाइट के लिए स्विच एंड उसके नीचे आपको यहाँ पे इसमें मिल जाता है 7 inches का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि आता है काफ़ी सारे फीचर्स के साथ जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले AM FM USB एंड आप ब्लूटूथ के थ्रू भी इसमें अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। हारमन म्यूजिक सिस्टम आपको इस कार के टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ऑफर किया जाता है एंड हारमन की बैजिंग आपको म्यूजिक सिस्टम के ऊपर देखने को मिल जाती है। एंड कुछ ऐसा आपको मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा का व्यू एंड इसके अंदर आपको गाइडलाइंस भी मिल जाती हैं एंड ऑल ओवर काफ़ी ईजी टू यूज़ इंटरफेस आपको इस सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। एंड इसके साइड्स पर आपको फेदर टच कंट्रोल्स भी दिए जाते हैं जहाँ से आप इस सिस्टम को कंट्रोल भी कर सकते हैं। एंड इसकी सराउंडिंग्स आपको पूरी पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर दी जाती हैं जो कि काफ़ी अच्छी लग रही हैं। एंड उसके नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको इसमें कुछ बटन्स मिल जाते हैं। तो पहला आपको यहाँ पे बटन दिया जाता है फॉग लाइट के लिए, आप यहाँ से फॉग लाइट को टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एंड सेकंड आपको मिल जाता है कार को लॉक या अनलॉक करने के लिए स्विच। एंड उसके नीचे चलते हैं तो यहाँ आपको मिल जाते हैं AC कंट्रोल्स। आपको इस वेरियंट के अंदर फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया जाता है, लो वेरियंट के अंदर आपको इस कार में मैनुअल AC ही दिया जाता है। एंड इस AC का डिस्प्ले आपको यहाँ पे टच स्क्रीन यूनिट के अंदर ही दिया जाता है एंड आप ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं फैन की स्पीड कम या ज़्यादा हो रही है, बट उसकी जगह अगर यहाँ पे एक डिस्प्ले दे दिया होता तो काफ़ी अच्छा रहता। एंड टेम्परेचर नॉब का भी डिस्प्ले आपको वहीं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ही शो होगा। AC कंट्रोल्स के नीचे आपको यहाँ पे मिल जाती है कुछ स्टोरेज स्पेस USB का पोर्ट और साथ ही एक 12 वॉट का पावर सॉकेट। उसके पीछे आपको यहाँ मिलता है इस कार का 5-speed का मैनुअल गियर बॉक्स। इस कार के अंदर आपको 5-speed का AMT गियर बॉक्स का ऑप्शन भी दिया जाता है एंड इसमें रिवर्स गियर लगाते ही आपको आपके रिवर्स पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले मिल जाएगा आपके 7 inches के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर और साथ ही आपको यहाँ पे मूविंग गाइडलाइंस भी इस वेरियंट के अंदर दिए जाते हैं। आपको गियर चेंज इंडिकेटर मिल जाता है इस कार की MID स्क्रीन के अंदर एंड यहाँ पे गियर बॉक्स की सराउंडिंग्स पर आपको मिल जाते हैं पियानो ब्लैक इंसर्ट्स। उसके पीछे आपको दिए जाते हैं 3 कप होल्डर्स एंड कप होल्डर्स के पीछे आपको मिल जाती है हैंड ब्रेक एंड हैंड ब्रेक के पीछे आपको कुछ और स्टोरेज स्पेस भी दी जाती है। एंड कुछ ऐसे आपको मिल जाएंगी कार की कंप्लीट फ्रंट सीट्स। यहाँ पर आपको इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जाते हैं एंड ब्लैक फैब्रिक फिनिश के अंदर आपको ये सीट्स ऑफर की जाती हैं वाइट स्टिचिंग के साथ एंड ऑल ओवर सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा कम्फर्ट एंड कुशनिंग ये सीट्स आपको प्रोवाइड करती हैं। एंड अब बात कर लेते हैं इस कार के अंदर सेफ्टी फीचर्स की, तो इस कार के अंदर आपको ड्यूल एयरबैग्स ABS रिलीफ डी मिल जाते हैं। एंड गाइस टाटा टियागो वन ऑफ द सेफेस्ट कार है अपने सेगमेंट के अंदर। इस कार ने 4 स्टार स्कोर किए थे आउट ऑफ 5
ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रिजल्ट्स के अंदर। एंड अब वारंटी पैकेज की बात करें तो इस कार के अंदर आपको 2 ईयर्स और 75,000 किलोमीटर्स की वारंटी एज स्टैंडर्ड मिलती है, एंड इसे आप अप टू 5 ईयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं वापस इसके डैशबोर्ड लेआउट की तरफ। तो यहाँ पे आपको मिल जाती है कुछ स्पेस, एंड यहाँ पे आपको इसमें दिया जाता है ग्लव बॉक्स ओपन करने के लिए स्विच। तो जैसे आप इसे प्रेस करेंगे आपका ग्लव बॉक्स ओपन हो जाएगा, एंड आपके इस कार के अंदर बेस्ट इन सेगमेंट ग्लव बॉक्स ऑफर किया जाता है। ऊपर की तरफ आपको मिल जाती है कुछ स्टोरेज स्पेस, एंड नीचे भी आपको काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस यहाँ पे दी जाती है। एंड इस कार के अंदर आपको यहाँ पे कूल ग्लव बॉक्स ऑफर किया जाता है, तो यहाँ पे आप अपनी ड्रिंक्स वगैरह रख के उन्हें ठंडा रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाता है साइड एसी वेंट, उसके ऊपर दिया जाता है ट्विटर। एंड अब रूफ की बात करें तो यहाँ पे आपको पैसेंजर साइड सनशेड मिल जाता है, एंड इस सनशेड के अंदर आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर भी दिया जाता है। सेंटर में आपको मिल जाता है डे एंड नाइट मैनुअल एयरवीएम, एंड यहाँ ड्राइवर साइड सनशीट के अंदर आपको दिया जाता है एक टिकट होल्डर, और उसके ऊपर आपको यहाँ मिल जाता है ब्लूटूथ माइक। एंड रूफ लाइट की बात करें तो आपको इस कार के अंदर एक सिंगल रूफ लाइट ऑफर की जाती है, जो कि इस कार के रूफ के बिल्कुल सेंटर में प्लेस की गई है। एंड अब बात कर लेते हैं इस कार के एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस की। तो इस कार के एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि वाइट, ग्रे, रेड, ब्लू एंड सिल्वर। चलिए अब चलते हैं कार की बैक सीट में, एंड चलकर चेक करते हैं इस कार का बैक सीट कंफर्ट। तो ये है कैसे इस कार का बैक डोर, जो कि आता है सेम फ्रंट डोर की तरह ही ड्यूल टोन ब्लैक एंड लाइट ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ पर आपको मिल जाता है पावर विंडो का स्विच, उसके पीछे मिलते हैं कुछ स्टोरेज स्पेस, एंड उसके पीछे मिल जाता है आर्मरेस्ट, एंड नीचे की तरफ आपको दिया जाता है एक बॉटल होल्डर और साथ ही एक स्पीकर। यहाँ पर आपको ट्विटर भी मिल जाता है और साथ ही यहाँ पर भी क्रोम डोर हैंडल आपको दिया जाता है। एंड गाइज ये डोर भी काफ़ी वाइड ओपन हो जाता है, तो कार के अंदर एंटर करना और एग्जिट करना काफ़ी इजी बन जाता है। चलिए अब चलते हैं कार के अंदर एंड चेक करते हैं इस कार का बैक सीट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपको दिए जाते हैं फिक्स्ड हेडरेस्ट, टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी आपको यहाँ फिक्स्ड हेडरेस्ट ही दिए जाते हैं। सेंटर में आपको कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह इस वेरिएंट के अंदर भी ऑफर नहीं किया जाता है। एंड कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा कार का कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक बैक सीट से, एंड ऑल ओवर इस सेगमेंट के हिसाब से आपको डिसेंट इंटीरियर्स इस कार के अंदर ऑफर किए जाते हैं। नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी रियर एसी वेंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, एंड यहाँ पे मैप पॉकेट्स वगैरह भी बैक सीट्स के अंदर नहीं दी जाती हैं। एंड स्पेसिंग की बात करें तो गाइस मेरी हाइट 6 फीट है, एंड ड्राइवर सीट मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है। एंड अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को कितनी स्पेसिंग मिल पा रही है। तो बेसिकली इस कार की बैक सीट में जिनकी हाइट 5'7" 5'8" है वही लोग प्रॉपरली आराम से बैठ पाएंगे। एंड हेडरूम की बात करें तो हेडरूम आपको यहाँ पे डिसेंट मिल जाता है, बस नी रूम थोड़ा सा इस कार के अंदर बैक सीट में कम दिया जाता है। एंड ऑल ओवर इस कार की बैक सीट में 2 एडल्ट्स और 1 किड इजीली बैठ सकते हैं। एंड नीचे आपको यहाँ पे एक हम भी मिल जाता है, तो मिडल पैसेंजर को यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लेग स्पेस में करना पड़ेगा। एंड अब बात कर लेते हैं इस कार के प्राइसिंग की। तो इस पर्टिकुलर वेरियंट टाटा टियागो एग्जेड प्लस पेट्रोल मैनुअल का एक्स शोरूम प्राइस है 6.33 लाख रुपीज़, एंड ऑन रोड चंडीगढ़ में आपको पड़ेगी 7.00 लाख रुपीज़ की। तो ये था गाइस इस कार का कंप्लीट वॉक अराउंड वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड गाइस अगर आप टाटा टियागो का कोई और वेरिएंट भी कंसिडर कर रहे हैं तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस कार के बारे में तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में पूछ सकते हैं। एंड टाटा टियागो के बाकी सभी वेरियंट्स के एक्सशोरूम प्राइजेस अब आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। So guys, if you like this video, please subscribe to the Car Show and press the bell icon for all the latest updates. Thank you and have a nice day.